सो है गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, तो अगर आप भी के पैसा के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो और आपको नहीं आता है कि के पैसा के अंदर कैसे पर्सनल लोन अप्लाई किया जाता है, दोस्तों आज की इस वीडियो में 2024 का सबसे आसान तरीका बताऊंगा जहां से आप के पैसा के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आपको कहीं भी विजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपने खुद के घर में खुद के फोन से यहाँ पर ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन ही अपने बैंकों में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कैसे लोन अप्लाई करना और आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा उसको अपने बैंकों में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सभी कुछ हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप करोगे और एक भी आपसे मिस्टेक हो जाएगा तो आपको के पैसा के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे आप के पैसा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन करोगे फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर गेट इंस्टेंट्स, यहाँ पर 10 मिनट के अंदर में यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो गेट इंस्टेंट्स लोन जस्ट 10 मिनट्स, यानी दोस्तों 10 मिनट के अंदर में ही आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। तो लोन अप्लाई करने के नीचे को एक नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। लगातार यहाँ से वो नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर देना, फिर दोस्तों यहाँ पर आता है स्टार्ट यूजिंग के पैसा। दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से इस वाले ऑप्शन क्लिक कर लो फिर दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर आता है इंटर मोबाइल नंबर, तो आपको इस बॉक्स में नीचे देख सकते हो यहाँ पर आता है 10 GB मोबाइल नंबर, तो आपको इस बॉक्स में 10 GB मोबाइल नंबर इंटर कर देना। फिर दोस्तों नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करोगे उसके बाद आप के पैसा एप्लीकेशन को जो भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराओगे उस फोन नंबर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, तो ओटीपी वहां से आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसी प्रकार से मोबाइल नंबर इंटर करके मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ गया। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आता है ऐप परमिशन, तो आप यहाँ से वो के पैसा एप्लीकेशन में परमिशन देना है, तो परमिशन देने के नीचे वो कंटिन्यू का बटन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करके आपको के पैसा यहाँ से लगातार अलाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से लगातार परमिशन कर देना है। जैसे लगातार परमिशन दे दोगे फिर दोस्तों आप के पैसा को आप जो भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराओगे उस मोबाइल नंबर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। जैसे अपना ओटीपी इंटर कर दोगे फिर दोस्तों नीचे वो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लो फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब यहाँ से अपना पर्सनल डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, तो पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या देना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। दोस्तों यहाँ पर आता है फुल नेम, तो यहाँ पे अपना फुल नेम इंटर कर लीजिएगा जो आपके पैन कार्ड में होगा। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी आप इंटर करें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आता है इंटर ईमेल आईडी, तो आपको अपना कोई सा एक ईमेल आईडी आप इंटर करके यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन क्लिक करके अपने ईमेल आईडी यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे अपने ईमेल आईडी वेरीफाई कर लो फिर दोस्तों यहाँ पर आता है रेफर कोड, तो दोस्तों यहाँ आपके पास नहीं हुआ दोस्तों रेफर कोड, दोस्तों ये ऑप्शनल, यहाँ पे कुछ नहीं आपको इंटर करना है, बस अपना फुल नेम एंड ईमेल आईडी इंटर करके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पर यहाँ पे नाम भी इंटर कर दिया है, मेरा ईमेल आईडी भी यहाँ पर देख सकते हो वेरीफाई हो चुका है। दोस्तों जैसे वहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन क्लिक करोगे उसका दोस्तों आप जो भी ईमेल यहाँ पे दोगे उस ईमेल पर फोरन का एक मतलब ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मैं सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो के पैसा एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पे आपसे आ जाओगे। दोस्तों अब यहाँ से लोन अप्लाई करना है वो करना क्या पड़ेगा, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप गोल्ड बाय भी कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड भी यहाँ सब कर सकते हो एंड फ्लाइट का टिकट भी यहाँ से बुक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मुझे पर्सनल लोन लेना है, दोस्तों यहाँ से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको स्क्रॉल करने का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से लगातार स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने का दोस्तों यहाँ पे एक लोन्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो लोन्स वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना। दोस्तों जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने फिर से स्क्रॉल किया और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लोन्स का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो लोन्स वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे आज लोन्स वाले ऑप्शन क्लिक कर लो फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आता है इंजॉय इंस्टेंट क्रेडिट का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और उसके ठीक नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक करोगे फिर से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे वहां से फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आता है अप्लाई फॉर ए लोन, तो यहाँ से अप्लाई फॉर ए लोन वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे अप्लाई फॉर ए लोन वाले ऑप्शन क्लिक करोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा, तो नीचे देख सो नीचे एक चेकबॉक्स का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको चेकबॉक्स का ऑप्शन क्लिक करके नीचे एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे वहां एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, तो आपको ना पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा, तो पर्सनल डिटेल्स में आपको देना क्या पड़ेगा मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ना फुल नेम इंटर कर देना है, जो आपके पैन कार्ड में होगा वही फुल नेम आपको फिर से यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे पैन कार्ड में 10 GB नंबर इंटर कर देना है। फिर दोस्तों अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लीजिएगा, जो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड में होगा वही डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर ना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर में आप मेल हो या फीमेल हो अपनी हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आता है मैरिटल स्टेटस, तो दोस्तों मैरिटल स्टेटस में आप मतलब सिंगल हो या मैरिड हो या दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो डिवोर्स हो चुका है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं अपना ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका दोस्तों
नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे इंटर करके मैं ऐसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। जैसा आप पर्सनल डिटेल्स इंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लो, फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आपको मतलब एड्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या देना पड़ेगा मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो यहाँ पर आता हाउस नंबर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अपना हाउस नंबर यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है स्ट्रीट एड्रेस दोस्तों, जो आपका आधार कार्ड में वही एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है लैंडमार्क, दोस्तों यहाँ पर आपको लैंडमार्क इंटर कर देना है। दोस्तों काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैंडमार्क होता क्या है। दोस्तों अगर आपके घर के आसपास कोई पॉपुलर जगह है या पॉपुलर कोई मतलब ये है दोस्तों मकान है या कोई भी चीज है दोस्तों, तो वो इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे पिन को इंटर कर लीजिएगा कि आप कौन से पिन कोड में रहते हैं दोस्तों, आपके एरिया क्या पिन कोड, वो पिन को इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट इंटर कर लीजिएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ से कंप्लीट करके मैं ऐसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन वहाँ से कंप्लीट कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तब आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट टाइप है, वैसे कर लेना है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप है हो क्या। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड या स्टूडेंट या अदर, वो अपने साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है सैलरी रिसिप्ट टाइप है, दोस्तों आपको जो सैलरी आता है वो आपको कैश मिलता है, चेक मिलता है या डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट में आता है दोस्तों, तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आता है एम्प्लॉयमेंट नेम, तो दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों ऑफिस एड्रेस मतलब 1 आ जाता है दोस्तों, यहाँ ये भी दोस्तों ऑप्शन है, ये भी आपको कुछ भी नहीं इंटर करना है। ऑफिस एड्रेस लाइन 2 का ऑप्शन है देखने को मिलेगा दोस्तों, ये भी ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं इंटर करना है। दोस्तों अगर आपको इंटर करना हो तो कर लीजिएगा, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन है, ये तीनों में आपको कुछ भी इंटर करना है। फिर आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आता है ऑफिस पिन कोड, तो दोस्तों आपको अपना ऑफिस यहाँ पे पिन को इंटर कर देना है कि आपका ऑफिस जो है कौन से एरिया में, उस एरिया का क्या पिन कोड है वो इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों अपने ऑफिस के यहाँ पे सिटी इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों मेन मतलब मंथली सैलरी आप इंटर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों कि मंथली सैलरी आपको 20,000 से ऊपर यहाँ पे इंटर करना है। 20,000 से अगर आप यहाँ से और नीचे इंटर करते हो तो आपके यहाँ से लोन रिजेक्ट होने का भी चांस है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ना मंथली इनकम यहाँ पे डाइट कर लीजिएगा, उसका दोस्तों लोन अमाउंट इंटर कर लीजिएगा क्या कि कितना लोन आपको नीड है। उसका दोस्तों आपको नीचे एक सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर करके मैं सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। जैसा आप सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक कर लो, फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो वेरीफाइड डिटेल्स, तो दोस्तों आपने जिसका भी जो भी मतलब डिटेल्स दी हो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो पर्सनल डिटेल्स में नाम देखने को मिल जाएगा, पेन कार्ड सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कुछ अगर गलत यहाँ पर लगता है कि मेरा यहाँ से गलत हो चुका है, तो ऊपर आपको पेंसिल का आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर भी क्लिक करके यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पर सभी कुछ सही है, तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे कन्फर्म का जो ऑप्शन देखने को मिला है, तो मैं सीधा कन्फर्म वाले ऑप्शन में क्लिक कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे वहाँ कन्फर्म वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ आप देख दो प्रोसेसिंग में भी जा दोस्तों, जैसे वहां से प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोस्तों यहां पर आता है सेलेक्ट द लोन अमाउंट, यानी दोस्तों आपको अपना लोन अमाउंट पे सेलेक्ट करना है क्या वो कितना लोन में को नीड है। जैसे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो मैंने 50,000 लोन अमाउंट यहां पे इंटर कर दिया कि मुझे 50,000 की मुझे यहां पर लोन अमाउंट की नीड है। और यहां पर आप देख सकते हो अगर मैं ऐसा 50,000 का लोन लेता हूं तो मैं इंटरेस्ट रेट यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, उसके यहां पर देख सकते हो 18 मंथ के लिए मैं अगर मैं ऐसा लोन लेता हूं तो मेरा मंथली ईएमआई यहां पर आप देख सकते हो, मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा वो आप देख सकते हो, और जो मुझे टोटल रिपेमेंट करना है वो आप देख सकते हो। यानी दोस्तों अगर मैं 50,000 का लोन लूंगा और 18 मंथ के लिए मुझे जो इनको रिपेमेंट करना है 53,835 रुपया, तो दोस्तों अपना लोन हमारे पे इंटर कर लीजिएगा कि आपको कितना लोन में कोई नीड है। और आपको अगर यहाँ से अगर लोन लेना है तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, तो यहाँ से वो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोन हमारे इंटर करके अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन क्लिक करोगे, उसका दोस्तों अपना आधार कार्ड से यहाँ पे KYC कंप्लीट कर लेना। जैसे KYC कंप्लीट करोगे उसका दोस्तों आपको फाइनल लोन आपको बता देगा कि आप कितना लोन के एलिजिबल है। जैसे वहां वो फाइनल लोन आपको बता देगा, उसका दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, वहां पर लोन ऑफर बताएगा, तो उस लोन अमाउंट को लेने के लिए वहां पर आ जाएगा एड बैंक अकाउंट, तो वहां से अपना बैंक को एड कर लेना। जैसे वहां बैंक को वहां पर एड कर लोगे, विद इन 2 मिनट्स या 5 मिनट्स के अंदर में ही आपके बैंक में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप भी अगर सेम इसी प्रकार से के पैसा एप्लीकेशन जाकर पर्सनल अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कैसे लोन अप्लाई करना, और आपको जो लोन यहाँ पे मिलेगा उसको विद इन 2 मिनट्स के अंदर में अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों अगर मान लेते हैं किसी भी कारणवश वो के पैसा लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं मिलता है, या अगर आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, या अगर आपको लोन ऑफर ही नहीं किया जाता है, तो अब आपको इस कंडीशन में करना क्या पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपका एज मात्र 18 साल प्लस है और आपके पास अगर पैन का आधार कार्ड है, ओनली फॉर KYC करके लोन लेना चाहते हो, और लोन अमाउंट की अगर बात करें तो मिनिमम 5,000 का और मैक्सिमम 1,00,000 का, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक 15 लोन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिलेगा, तो आप जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर अप्लाई कर सकते हो। उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इनको कोई भी सैलरी स्लिप वगैरह आपको अपलोड नहीं करना है, ओनली फॉर पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करके उन 15 लोन एप्लीकेशन में मिनिमम 5,000 का लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 1,00,000 का लोन ले सकते हो। तो उन 15 लोन एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो बस इतना गज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।